पड़ोसियों को कह रहे हैं कि बॉयकॉट कीजिए। वहां पर कुछ लोग हैं क्या आसपास के जो इस पर बात कर सके? अगर ऐसा है तो आप मौसमी उन्हें जरूर लाइएगा। जी बिल्कुल जी, जरूर उनसे बात कीजिए। मौसमी बात कीजिए, ये पूरा पालील का इलाका आप देख रहे हैं। मौसमी जी जी देखिए अंजना, ये पूरी भीड़ यहाँ पे है, क्या आप लोग आज तक मुर्दाबाद आज तक मुर्दाबाद आज तक आप जो बात वो तो ठीक है सर आंखों पर आप ये बताइए चाहते क्या है आप? मीन किस चीज का जस्ट? हम यही चाहते हैं कि जो उसके साथ में बुरा हुआ जो देखो क्या कह रही है, हालांकि बार बार इसी बात को कह रही है गलत है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। आइए बात करें नवजोत, जो बुलडोजर चलाए हैं और बुलडोजर से तोड़े हैं उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? आपको क्या बोला गया था, आपने ज्यादा तोड़ा कि जितना? मैं सिर्फ एक कामगार हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पे, सारे आपके सामने मौजूद हैं। आप वहाँ जगह वहाँ पर जाइए, उनको पूछिए। कितनी देर से आप लोग ये कर रहे हैं? मैं सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था, हमको जितना बताया गया है उतना ही हम काम करते हैं। तो एग्जैक्टली आपको क्या बताया गया था? देखिए हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं जिस बुलडोजर से कंगना का दफ्तर तोड़ा गया था। बाहर एक बालकनी है जिसको तोड़ा गया है, और जो ड्राइवर साहब है वो बता रहे हैं कि वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, जो आदेश दिए गए थे उतना ही किया। उसके आगे मेरे को कुछ पता नहीं है। आपने पूरा बालकनी का हिस्सा तोड़ा, तो वो क्या बालकनी गैरकानूनी थी? क्या बोला गया था आपको? इंस्ट्रक्शन क्या आपके सामने तोड़ा ना? इंस्ट्रक्शन आपके सामने ही तोड़ा गया ना, तो वो गैरकानूनी हो सकते। अभी जाने को बोला गया आपको? नहीं रुका तो हूँ, मैं कहाँ गया हूँ? अभी भी वेट करने को बोला गया है। और यहाँ पे आप देखिए कि जाहिर तौर पे लगातार लोगों की भावनाएं अलग अलग तरीके से भड़की हुई हैं। आप देख पा रहे हैं कि आपको बताऊं, जैद नाम के शख्स का ये घर है जहां आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची हुई है, और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने जैद को गिरफ्तार किया है। जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि जो शौविक है उससे लगातार कांटेक्ट में था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि जैद ने पूछताछ में खुलासा किया है कि शौविक लगातार जैद से ड्रग्स खरीदता था। न सिर्फ खरीदता था बल्कि शौविक लगातार जो है ड्रग्स का अपने लिए इस्तेमाल करता था। उसके अलावा पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि शौविक जो रिया का भाई है उसने जैद का नंबर सैमुअल मिरांडा को दिया था, और उसके बाद लगातार ड्रग्स की हेराफेरी हुई थी। हम एक बार फिर उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं बांद्रा में ये जो जैद है उसका घर है जहां पर आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची। हमने उसके पिता से बात करने की कोशिश की लेकिन पिता ने बात करने से मना कर दिया। हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पेडलिंग में। आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना, प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट, आज तक सुशांत केस के सच के लिए लगातार आवाज उठाता रहा है। ऐसे ड्रग्स तस्कर और उसके परिवार के लोग आज तक की आवाज़ दबा नहीं सकते।